दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, बात ऐसा है कि हम रूठ गए, ठीक है, हम रूठ गए तो बिट्टू फिर से घबरा गए क्योंकि दो डबल प्रेशर था उनके ऊपर। एक तो वो क्रिएटिन लाए थे अपने पीने के लिए, वो क्रिएटिन लाए थे तो वो देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है। ऊपर से कल बात हुआ था, तय हुआ था कल कि हम उनके जिम जाएंगे और जाकर निरीक्षण करेंगे कि वहाँ कौन कौन लड़की पे वो लाइन मारते हैं। तो वो आज भी इस बात को रेडी नहीं थे कि ले जाएंगे हमको। तो हम बोले ठीक है, जब बात समय एक जमाना था कि तुम मेरे काबिल नहीं थे, लेकिन आज तुम मेरा स्थिति ऐसा बना दियो कि हम तुम्हारे काबिल नहीं। चलो ये तो हो गया। तब बिट्टू को ये बात खटक गया तो वो बोला नहीं, काबिल का कोई बात नहीं है, तुम रेडी हो अभी, बस वहाँ लड़का लोग रहता है इसलिए हम तुमको नहीं ले जा रहे हैं। तो हम बोले नहीं नहीं, हमको नहीं जाना भाई, इतना गोड़ पर के गया कि किसको जाना, मतलब इतना रहम खा के हमको मत ले जाओ। तो वो बोले नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है, बस बात यह है कि लड़का की वजह से हम नहीं ले जा रहे थे तुमको, चलो अब तुमको चलना ही होगा। तो हम रेडी हो गए, देखिए पूरा रेडी शेडी एकदम, इतना ही रेडी होते हैं हम। उसके बाद रेडी होके हम लोग गए वहाँ, और वहाँ जाके देखे सब लोग वर्कआउट कर रहे थे, एक से एक लड़के ट्रेनर सब लोग थे। और वहाँ का जो मालिक है बिट्टू जी का, दूर का दोस्त और करीब का रिश्तेदार दोनों है, तो वो हमको वेलकम किए, आइए भाभी जी, पूरा जिम घुमाए, बहुत बढ़िया लगा। ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट रहे काउंटर पे, 5 मिनट, 5 मिनट पूरा, 5 मिनट में पूरा जिम घूम लिए और घूम कर आ गए। आते ही बच्चे लोग को मम्मी कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, क्योंकि किसी को बोल के नहीं गए थे। तो इन लोग को बोले बेटा मंदिर गया था, क्योंकि सच बता नहीं सकते और इन लोग ये कर देगा, रूठ जाएगा। तो गाइज बता रहे ना गाइज लोगों को कि मंदिर गए थे, मंदिर झूठी है, झूठ बोलती है। अच्छा सब बोलो तुम लोग, झूठ बोलती है गाइज, गाइज हम सच बोलते हैं, नहीं गाइज झूठ बोलती है। हाँ लाडो हम झूठ बोलते हैं। साउंड कम करो, चलो। हेलो एवरीवन, रात के 10 बज गया, ब्रश करके सोते हैं। ब्रश करना रात को बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे दांत में कीड़े लग रहे हैं, कैविटीज हो रहा है, कैविटीज। तो खाना खा लिए हम बस ब्रश करके अब सोने जाएंगे, दांतों में कैविटीज हो गई है। Thank you.